So hey guys, we are back right now. आज हम दोबारा से खेलेंगे रियुको को, और पिछली बार भी मैंने रियुको का ही वीडियो डाला था जो कि बहुत ज़्यादा डाउन गया था। इस वजह से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, और उसी टाइम मेरा हेडफोन भी ख़राब हो गया था, जो कि ये रहा, इसकी एक टांग जो है वो काम नहीं करती। अब थोड़ा सा मैंने इसका इलाज किया तो ये अब जो है ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, बेचारा मर चुका है, आधा आधा बाकी है। तो जब तक नहीं मरता है तब तक हम इस हेडफोन को चलाएंगे। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं रियुको को, और हमारा मिशन है वही, अपने पापा को ढूंढना। तो आज हम अपने फादर को फिर से ढूंढने चलेंगे, और मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे आ गया हूँ। हाँ, तो मैं कुछ मैप को जो है एक्सप्लोर कर रहा था, और यहाँ पर हमें 6 हंटर्स को डिफीट करना है। एंड आई डोंट नो कि यहाँ से ये गेम शुरू क्यों हुई, बिकॉज मैंने वहाँ पर अपनी गेम को सेव कर लिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहीं पर चलते हैं फटाफट से। ऑलराइट गाइस, हम दोबारा से लौट कर आ चुके हैं वहीं पर जहाँ पर हमने गेम को ख़त्म किया था। मेरे बाल भाई क्यों ख़राब हो रहे हैं बेफालतू में। अब मुझे एक दानव को डिफीट करना है। पहले यहाँ से हम रीसेट कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम सबसे बड़ी बात है अपना वेपन अपग्रेड नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। अगर ऐसा होता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता। रीसेट हो चुका है सब कुछ, क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम ना वो वाला ट्री काट लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। मुझे डर तो लग रहा है फाइट से, बट देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। चलो फाइनली ये मिल गया, एंड वहाँ पर जाना है मुझे। मैं इसे पीछे से नहीं मार सकता क्या? अरे भाई आ गया यार। घंटा बजाते पहले चल के। चलो घंटा बज गया यार। ये अभी से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरह से मार रहा है। मुझे फर्स्ट टाइम ही ख़त्म करना है इसको। मेरा वाला कौन सा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा वो है, ठीक है समझ गया, मेरा दानव वो है, आई मीन जिसे मुझे मारना है वो दानव में, समझ गया कौन सा है। हिट तो ये खतरनाक दे रहा है भाई। अब बहुत देर हो गई है, अब हट। ये ले, फाइनली डिफीटेड यार। इस बार काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिफीट कर लिया। लेट्स गो, हंटर डिफीटेड। पहला हंटर हमने डिफीट कर लिया है, और हमें फ्लाइंग बॉम्ब्स मिल चुके हैं, और अब हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले हम इस साइड को देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अपग्रेड कर लेते हैं ना, पहले अपग्रेड करना ज़रूरी है। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने श्राइन के पास, और मैं इसके सायरन बोलता हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है बोलना, इस वजह से। लेवल अपग्रेड, हम इसको स्किल्स कर देते हैं इतनी। ऑलराइट, हमारे पास 3 स्किल्स भी हो चुकी हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, भागते हैं फटाफट से। अब हमारे पास स्पीड है, अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया हूँ इस गेम में। यहाँ पर मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मुझे देखना है कि क्या पता कहीं हमारा कुछ छूट वगैरह जाए। और हाँ, मुझे ना एक की भी मिली है, जो वहाँ पर एक गेट था ना, हाँ यहाँ के लिए की चाहिए ना, जिसके लिए हमें की चाहिए थी, उसकी की मिल चुकी है, बट वो अदर साइड से खुलेगा। तो अब मैं जब उसकी दूसरी साइड पर पहुंच जाऊंगा तब हम उसको खोल सकते हैं। अभी हम वहीं पर जाएंगे। चलो यहाँ पर हमने ट्राई कर लिया है, अब सामने एक बॉक्स है, उस बॉक्स को खोलते हैं। ओके, हमें स्टार्स मिल गए यहाँ पे, निंजा स्टार्स। यहाँ पर देखते हैं क्या है, खुलेगा क्या? खुल जाएगा गेट, ये तो खुल गया भाई साहब। अरे ये तो वही गेट है, पहले इसको हम डिफीट कर देते हैं। ओके डन हो गया भाई, मैं इन नेंटी पेंटी लोगों से तो डर रहा हूँ भाई, मैं भी बिल्कुल लुल हूँ। चलो ठीक है, सामने चलते हैं। वहाँ पर अभी मुझे गेट कीपर मिलेगा ना, मैं भूल गया था, गेट कीपर के पास जाना है सबसे पहले हमें, और उससे बात करनी है। वो मुझसे शायद ब्रेन मांगेगा इस गेट को खोलने के लिए। ठीक है, इसको 3 ब्रेन्स चाहिए असीसियन के। बहुत आसान है ये करना, मैं अभी कर लूँगा। बाय द वे, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा घूमने की कोशिश करूँगा, बिकॉज रीसेट करेंगे ना तो वो हंटर जो है अपने आप अपीयर हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो ब्रेन्स है वो मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे बस 3 ब्रेन्स चाहिए फटाफट से, वो भी हम ढूंढ लेंगे। ये रहा, ओके फाइनली डन। असीसियन 55 मिनट में आने वाला है, जो कि आने तो उसको भी हम देख लेंगे। अभी एक नीचे भी हंटर है जिसको मुझे डिफीट करना है। आई थिंक वो शायद हंटर ही होगा, क्योंकि पिछली बार मैं उसको डिफीट नहीं कर पाया था, बट इस बार हम डिफीट करेंगे उसको। चलो चलते हैं हंटर को डिफीट करने के लिए। खुल जा भाई, फाइनली खुल गया। चलो हम नीचे चलते हैं, पहले नीचे वाले हंटर को डिफीट कर देते। अरे ये आ गया असीसियन। ये असीसियन बाय द वे है तो पागल, क्योंकि इसको तमीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे असीसियंस को मारना है ना कि हंटर्स को, मुझे लगा हंटर्स को मारना है। फिलहाल मुझे सामने जाना ही पड़ेगा। खोलो इस गेट को भाई, डर लग रहा है सामने जाते हुए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव है, वो रहा दानव। और जैसे ही मैं अंदर एंटर करूँगा ना, वो मुझे देख लेगा। अच्छा वो सामने ही देख रहा है ना मेरे। ऑलराइट डन। ओ नहीं, ओ यार हिट दे दी, बहुत अच्छे। ओ नहीं
बच गया मैं। वेपन चेंज करो यार वेपन। ओ बचा नहीं, खत्म हो गया यार, क्या बात है। मैं खामखा डर रहा था, ये तो लो लेता भाई। अब यार दो असिस्टेंस और किल करने हैं मुझे। यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलेगा। ग्रीन मोती हमें वेपन अपग्रेड के काम आते हैं। ये बॉक्स में पता नहीं क्यों तोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलते हैं बस उनके लिए मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतना सारा। ये गेम बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है यार, ताकेशी निंजा से ज़्यादा बड़ी होने वाली है। अगर वो सीरीज नहीं है तो जाकर देख सकते हो, तुम्हें लिंक आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक तुम्हें दे दूंगा मैं भाई, सारे एपिसोड देखना, क्योंकि मैंने उसको एंड किया है, पूरा ख़त्म किया है उस गेम को। सारा माल पानी हमने कलेक्ट कर लिया है और अब मैं भी मुझे नीचे चलना चाहिए। ओ यहाँ पर एक और सीक्रेट रास्ता, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर मुझे सीक्रेट रास्ता मिलेगा। चलो भाई चलते हैं, ग्रीन मोती मिला। यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स है, फाइनली खुल गया। और ब्लू मोती मिला, ये अपग्रेड के काम आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ ज़्यादा माल पानी था नहीं, बट फिर भी ठीक है, असिसियन को भी किल करना है हमें भी ढेर सारे। अब हम दूसरी साइड को जाएंगे, वहाँ पर अपना वेपन अपग्रेड करेंगे। अब बस मुझे अपना वेपन अपग्रेड करना है यहाँ पर आकर। चलो मेरे वेपन्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, अपग्रेड करते हैं अपने वेपन्स को, रिपेयर करते हैं पहले। ये मेरी ख़राब हो चुकी है, ये रिपेयर हो गई एंड इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। सब कुछ रिपेयर है बहुत अच्छे। अच्छा यहाँ से हम ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, बट हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं, और इसके लिए 1500 मुझे चाहिए, जो कि हैं तो मेरे पास, मतलब इकट्ठे तो हो जाएंगे। इसको भी बाय नहीं कर सकते, हम सारे इतने महंगे हैं भाई, सब कुछ महंगा है। मुझे देखना पड़ेगा इसकी अटैक पावर कितनी है, अटैक पावर 15 है। चलो ये वाला वेपन बाय कर लेते हैं, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है अपग्रेड करते हैं इसको, वेपन अपग्रेड हो चुका है और अपग्रेड कर सकते हैं हम। ये भी अपग्रेड हो चुका है, फुल्ली अपग्रेडेड हो चुकी है हमारी। ठीक है हमने इक्विप कर लिया है लेवल 3 वाला। ऑलराइट अब मज़ा आएगा, चलते हैं आगे और यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी सी चीज़ों को। मे भी मुझे वो गेट खोलना है और वो की यूज़ करनी है जो मुझे मिली थी, अभी हम उस की का यूज़ करेंगे, देखते हैं वो की कहाँ पर लगेगी। हाँ वो इसी गेट की होगी शायद। पॉइंट्स लेते लेते थक जाओ यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पॉइंट्स लेने में। जब मैं इसको ऑफलाइन खेल रहा था तो मुझे बहुत सारी जगहें मिली ऐसी जो कि मैंने कभी देखी ही नहीं थी यहाँ पे। तो ये है वो गेट, देखते हैं। यस यार ट्रेनों का की लग चुकी है और यहाँ से हम डायरेक्ट क्रीक गार्डन में जा सकते हैं, हमारे लिए इजी हो गया है ये सब। और ये शायद असिसियन है, ओके किल हिम। कहाँ से असिसियन हो यार? नहीं भाई असिसियन नहीं था ये, बट उसकी तरह दिखने वाला था ये। चलो बाहर चलते हैं, वो की का यूज़ तो हमने कर लिया, जो हमें मेन गेट खोलना था वो मैंने खोल दिया है। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, मे बी इसका कभी ना कभी तो यूज़ आएगा ही आएगा। श्राइन आ चुकी है, ओके अपग्रेड। स्किल्स को बढ़ा लेते हैं कन्फर्म, रीसेट भी कर लेते हैं क्योंकि असिसियन चाहिए होगा मुझे क्लोज। ये रहा असिसियन, ओ तेरी, ख़त्म हो गया। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे बस एक और मारना है, फटाफट से हम वो भी मार देंगे। पहले इसको निपटा दूँ मैं, थोड़े से पॉइंट्स ही मिल जाएंगे और कुछ थोड़े ना। चलो भाई तू भी निकल, बहुत अच्छे असिसियन का काम ख़त्म समझो। अब हम फटाफट से रीसेट करके आते हैं और दो सेकंड वाले असिसियन को मार देते हैं। हम पहुंच गए हैं अपने सायरन के पास, कर दिया है मैंने रीसेट, लेट्स गो। ट्रेन हमें मिल चुके हैं सारे, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है अपना बेफालतू का। ऑलराइट गाइस हम आ चुके हैं अपने असिसियन के पास और इसको किल करते हैं। ओहो ख़त्म, ओहो क्या खतरनाक फाइट की मैंने। चल हट पट तेरी भैंस की, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करना मुझे, फटाफट से पहले वो खोलते हैं जाकर। उसको ब्रेन देकर आते हैं असिसियन के, जो कि हमने इकट्ठा कर लिए हैं। यस बुढ़े, ये ले बुढ़े अपने ब्रेन। चलो ठीक है हमारा काम हो गया, अंदर चलते हैं फटाफट से, यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। हम एक नई दुनिया में आ गए भाई, आवाज़ भी बिल्कुल बदली बदली सी है। खोलो इस गेट को, ओके। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं शायद, तो ये वही जगह है। चलो सामान लेते हुए चलेंगे, हंटर भी आने वाला है भाई। मैंगल वुड्स में आ गए हम, मैंने ऊपर की साइड मिस कर दी है, वो बाद में देख लेंगे क्या चीज़ है वो। ख़त्म, ऑलराइट डन। यार ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हंटर्स हैं जिन्हें मुझे डिफीट करना होगा, और इनको डीमन हंटर्स कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है ये? चलो, अरे क्या हो गया यार,
मुझे डरा दिया, खामोखा मेरे पीछे आ गया यार, मैंने देखा भी नहीं। बेफालतू की पेनाल्टी देने पड़ गई मुझे वहाँ पे। ऊपर देख लेते हैं ऊपर क्या चीज है। हर चीज को एक्सप्लोर करना जरूरी है। ये तो बंद है क्या? ओ मैं कहाँ आ गया, किस गुफा में आ गया? अच्छा, मैं ऊपर आ गया यार। पेड़ है। अरे 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 नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। यार उन्हें डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो एक हिट में ऐसी की तैसी कर देते हैं। उसे हम केवल उस चीज से मार सकते हैं। एक तो फ्लाइंग बॉम्ब से मार सकते हैं और एक वेपन और है जिससे हम उसे मार सकते हैं। मरता है या वो नहीं, बाय द वे बहुत ही ज्यादा रिस्की मामला है यहाँ पे। तो देखते हैं फ्लाइंग बॉम्ब मार के कुछ होता है या नहीं। नहीं लगेगा यार, मुझे बहुत ज्यादा छिप छिप कर जाना पड़ेगा यार। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या करूं मैं? ओ पकड़ लिया यार, पकड़ लिया भाई। ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, कैसे हो पाएगा ये? ओफ यार, ये तो भाई बहुत ज्यादा डेंजरस मामला है। इनका लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ये सामने को ही देख रहा है ना यार। अरे वो हंट कर लेता है भाई, वो हंट कर लेता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ तो। ये मामला पानी कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई साहब, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। ओके इसको तो हम मार सकते हैं। चलो एक को तो मार दिया, इसको हम किस तरह से मार सकते हैं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ ओ ओ, ओ ये कहाँ से आ गया भाई? चल हट निकल यहाँ से। यार वो दोनों साथ में तो रहते हैं, पीछे से रास्ता है तो यार थोड़ी बहुत देखते हैं कुछ हो सकता है यहाँ से। भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे क्या करूँ मैं? मैं इधर तक आ गया भाई, भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। इन बुढ़ों को क्या चाहिए बुढ़ों? अरे भैया मुझे ये बड़े बड़े जानवरों को मारना है भाई, ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं दे दिया बुढ़े ने? चल हट तू निकल पहले, खत्म भाई। यार वो वालों को ज्यादा ही मुश्किल है भाई, वो हंटर से लड़ना मेरे बस की नहीं है। डीमन जो हंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, उनसे कैसे लड़ पाऊंगा मैं भाई? इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे तो। वो देख रहे हो सामने ही खड़ा है बिल्कुल, मैं भाग कर भी जाऊं तब भी शायद नहीं मार सकता मैं। नहीं भाई नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल सा है ये वाला। भाई साहब मुश्किल पड़ जाएगा मेरे लिए, अभी भी हमें 6 हंटर्स को किल करना है। एक हंटर को आने तो देन हम यहाँ पर छिपके फ्लाइंग बॉम्ब मार देंगे उसको। इस पर हम फ्लाइंग बॉम्ब मार देते हैं। चल चल चल, खत्म हो गया भाई, ऐसे ही करना होगा मुझे। चल अरे 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 अरे, गड़बड़ हो गई भाई, देख कैसे लिया उसने। धीरे धीरे करके मुझे कोई ना कोई ट्रिक जरूर मिलेगी, हम फिर से करेंगे, मैं हार नहीं मानने वाला भाई। अब मुझे जो है पूरी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे करना है। चलो फिर पहले इसको मारते हैं। अरे किधर चला गया मेरा बॉम्ब? चल जा, अरे इधर मार दे लड़की पागल। ओके एक मर गया और ये दूसरा वाला गया, दोनों वहां पर जा रहे हैं। फ्लाइंग बॉम्ब कहाँ लगेंगे जाकर? दोनों अगर वहीं पर लग जाए तो मजा ही आ जाएगा यार। ओके एक एक ही मरा ना, अभी दो हमने किल कर दिए हैं, अब एक वहां से आएगा सामने से। भागो 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 भागो, पता नहीं वो हम लगा नहीं लगाए। अरे लग गया यार, बहुत अच्छे, क्या किस्मत है मेरी भाई। इसके लिए मैं ना इधर जाता हूँ, सारे हंटर तो मरने वाले हैं। चल ओके मे भी लग जाएगा ये फ्लाइंग बॉम्ब, लग जाओ। डिफीट डन भैया, डन, हमने सारे गेट कीपर्स को मार दिया है यार। भागो यहाँ पर, सारा सामान माल पानी ले लेते हैं, हमने सारे हंटर्स को किल कर दिया है। अरे ऊपर कैसे चढ़ेंगे ऐसे? ऊपर एक बॉक्स है जो कि लेना जरूरी है। चलो चलो, मॉन्स्टर तो ऐसा ही मर जाएगा दो हिट में, खत्म हो गया। मेरा वैसे ही वेपन अपग्रेडेड है, बॉक्स भी खुल जाएगा। इस टाइम पर मेरी कमेंट्री इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं पता है, मुझे पता है अच्छी तरह से, बिकॉज पूरा फोकस मेरा गेम पर है यार। मुझे गेट खोलना है फिलहाल, तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसको खोलते हैं, डन। ओके वहाँ पर तो मैंने पूरा देख ही लिया था, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। ओ मुझे लगा मैं मर गया बट मैं बच गया। ओहो ओहो, खत्म हो गया सब।
चल हट, आवाजें कितनी ज्यादा भयानक हुई यहाँ पे। इसको खोलते हैं। ओके खत्म हो गया, लो लेता मोटा तो बिल्कुल। चलो ऊपर चल, लो लियो को, चलो 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 चलो। ओके मैं यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि अब मुझे गेट कीपर से मिल लेना चाहिए। चलो भाई अंदर चलते हैं। ओके इसे हमने ब्रेन्स दे दी है, नेक्स्ट। चलो इसके अंदर चलते हैं, ये रियोको भी बिल्कुल पागल है। चलो अब हम चढ़ सकते हैं ऊपर। ओ माय गॉड, ये वाला टास्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई साहब, बहुत ज्यादा। अगर मुझे फ्लाइंग वाला पता नहीं होता ना, ये फ्लाइंग बॉम्ब वाला, तो शायद हम ना कर पाते। चलते हैं ऊपर, पता नहीं ये कहाँ पर जा रही है बुद्धू लड़की। ऑलराइट हम एक नई जगह पर फिर से आए, चलते हैं भगते हुए भगते हुए। ओके ये एनवायरनमेंट काफी ज्यादा मस्त है यार। ओह लगता है यहाँ से हमारे फादर हमें मिल जाएंगे। गेम को सेव करते हैं सबसे पहले, तो श्राइन मिल गई मुझे एंड यहाँ से अपनी गेम को हम सेव कर सकते हैं। फास्ट ट्रैवल, रीसेट, ऑलराइट सब कुछ डन। क्लोज करते हैं, वेपन्स देखते हैं अपग्रेड होंगे या नहीं होंगे। ये रहे, इनके साथ हम वेपन्स रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर हो गया, ये भी रिपेयर हो गया। ऑलराइट यार मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक काफ़ी रहेगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम इसके आगे जाएंगे और ये जो बड़ा सा काशल है ना श्राइन टाइप का, इसको हम ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें अपने फादर्स मिलते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आई होप तुम्हें इस वीडियो में मजा आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।